रोम रोम भाइयों, आई एम नॉट मिस्टेकन, उन्होंने 8 के लिए थे। एंड ओजी इलीट यहाँ आ चुकी है अपना फायर पावर दिखाने के लिए, भगवान गॉट वन। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी में और एक भी चेंज है। जब जय वाईटी पहले खेलते थे, वो थोड़ा सा एक पिक लेते थे फॉलोड बाय अनदर फॉलोड बाय अनदर, अब एक पिक लेते रियूनाइट होते अपने टीम से, फिर एक पिक लेते, थोड़ा सा प्ले स्टाइल भी का ये, या तो टाइम हैज चेंज देम, इवॉल्व देम इनटू अ बेटर प्लेयर्स, तो हो सकता है दिस इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल। शॉन्टी को फ्लोट होते हुए गिरा दिया गया है ऑन द चिमनी साइड। एब्सोल्युट वर्ल्ड ऑफ बैटल से सिर्फ एक प्लेयर बच पाएंगे, वो है इनसेन, और बाकी यहाँ पे ओरेंगुटान बिल्कुल जेब में मैच है। यहाँ से कोई ओरेंगुटान की गलती या अनहोनी ही है जो शायद ओरेंगुटान का मैच गवा सके, अदरवाइज मैं तो यहाँ पे एक भी पोजीशन नहीं देख रहा जो ओरेंगुटान के खिलाफ है। सब कुछ ओरेंगुटान के जेब में भाई, उल्टा किल भी मिल रहा है, यहाँ तो चांस ही नहीं है। और ओरेंगुटान इलीट शत प्रतिशत इस मैच को जीतनी चाहिए, और वहां पे एक प्लेयर बचा है, जय अपना काम कर देंगे। और अब मैं आना चाहूंगा उस पॉइंट पे जो मैम ने कहा, बिल्कुल सही कहा मैम आपने, आपकी एनालिसिस बिल्कुल सटीक है। और इसमें मैम ऐसा सीन था कि क्योंकि अगर आप देखें पहले ओरेंगुटान में कप्तानी भी पहाड़ी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक इंटरव्यू में मैंने पूछा था जॉन्टी भाई से, जो मेंटोर भी हैं, तो जॉन्टी भाई ने बताया कि पहाड़ी से प्रेशर रिलीज करने के लिए ही हमने कहीं ना कहीं मॉन्क की एबिलिटी को देखते हुए उनको कप्तानी सौंपी है। और इस वक्त अगर आप देखें उसका फायदा भी, और उसी रोल चेंजिंग चीजों में कहीं ना कहीं यहाँ पे शायद जय को, वो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।